नमस्कार स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और बिल्कुल प्रशंसित होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया था, आप लोगों ने इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश की होगी और बहुत सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन 10th लेवल पर सॉल्व आराम से हो सकता है, नया क्वेश्चन है। ठीक है ना, इस तरह क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने से विश्वास करिए आप लोगों को कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोगों का बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बन रहे, अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाए जिससे आप 100% मार्क्स ला सकें। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप चाहें तो नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। यदि आप मेरे कंप्लीट कोर्स से बात करना चाहते हो तो मेरी वेबसाइट पर जाके उस कोर्स को देख सकते हो, उसका डेमो वर्जन देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद वो अच्छा लगता है तो आप उसे खरीद सकते हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करे जाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के बाद में फिर मैं आपको एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दूंगा और आज जो क्वेश्चन होगा वो ट्रिगोनोमेट्री से होगा। ठीक है, जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना, आपको कुछ नया मिलेगा, राइट। दिमाग लगाइए, सोचिए इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे जाएंगे। यदि हम जानते हैं कंसेप्ट, यदि हमें कंसेप्ट पता है तो फिर हमें कोशिश करनी चाहिए। ठीक है ना, चलिए सर। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट कह रहा है कि ऑल टर्म ऑफ ए डी पी आर नेचुरल नंबर। पहली बात है कि टर्म्स किस में होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। और सम ऑफ नाइन टर्म्स, सम ऑफ नाइन टर्म जो है फर्स्ट से स्टार्ट होता है, फर्स्ट से लेकिन नाइन टर्म तक का जो सम है वो 200 से ग्रेटर है और लेस देन 220 है, राइट। ये बात गिवन है और साथ में आपको ये गिवन है कि इसका जो सेकेंड टर्म है वो 12 है। बताना है कि एपी क्या होगी। ठीक है ना, वो कह रहा है फाइंड प्रोग्रेशन, मतलब एपी क्या होगी, आपको सीरीज बतानी है। इसका मतलब आपको बताना है कि इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। यदि हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो एपी का तो बहुत सारे टर्म निकाल सकते हैं। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर क्या बताना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कितना होगा। ठीक है ना, बड़ा ईजी क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए, हम जानते हैं कि मान के चल लेते हैं यहाँ पर लेट फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी को, सॉरी कॉमन डिफरेंस को डी मान के चले हैं, तो हम एस नाइन क्या लिख सकते हैं, एस नाइन लिख सकते हैं 9/2 2a प्लस 9-1 इंटू डी। ठीक है, तो एस नाइन हम लिख सकते हैं कितना, 9/2 2a प्लस 9-1 मीन्स 8d, इतना आएगा। 2 आप यहां से कॉमन ले सकते हो तो एस नाइन क्या हो सकता है, 9a प्लस 4d, ये हो सकता है। आप इसे एस नाइन को ऐसे भी लिख सकते हो 9a प्लस 36d, इतना लिख सकते हो ना। ठीक है, एक बात तो आपके पास ये आ गई, लेकिन साथ में आपको ये भी गिवन है कि a2 जो है आपके पास 12 है, तो a2 का आप क्या लिख सकते हो, a प्लस डी लिख सकते हो। हम जानते हैं कि an होता है a प्लस एन माइनस वन टू डी, तो a2 क्या होगा, a प्लस डी होगा और ये आपको 12 दे रखा है। आप चाहें तो यहां से d की वैल्यू निकाल सकते हो, d कितना हो जाएगा 12 माइनस ए। इस d की वैल्यू को आप यहां पर पुट कर दीजिए, ठीक है ना, d की वैल्यू को, तो s9 कितना पता लग जाएगा, s9 पता लग जाएगा आपको 9a प्लस 36, ठीक है, 36d कितना है 12 माइनस ए, कितना लिखेंगे। इससे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 9a प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 432 माइनस 36a। इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9a, इसमें माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास 432 माइनस 27a। तो एस नाइन आपके पास एक ही आ गया। अब आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि एस नाइन जो है वो जो है 200 से ग्रेटर है। इसका मतलब ये है, पहला केस, केस फर्स्ट लिख लीजिए कि एस नाइन इज ग्रेटर देन कितना है 200। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 432 माइनस 27a इज ग्रेटर देन 200। आप इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 432 माइनस 200 और इसको इधर ले आइए तो 27a। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, ये ऐसे कह सकते हो 232 इज ग्रेटर देन 27a, 232 अपॉन 27 ग्रेटर देन a, ये हो रहा है 8.6 इज ग्रेटर देन a। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ है कि a जो है लेस देन कितना है
लेस देन है 8.6। ठीक, एक केस पता लगा, ये जो है 8.6 है। दूसरा केस क्या बनेगा स्टूडेंट्स, आपने कहा था कि एस नाइन जो है वो लेस है किससे, 220 से। इसका मतलब कितना आएगा, ये आएगा 432 माइनस 27A इज लेस देन 220। आप इसको कहिए 432 माइनस 220 इज ग्रेटर इज लेस 27A, इसको लेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 212 इज लेस देन 27A हो जाएगा। ए यहां पर देखेंगे तो आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा ये ए ग्रेटर है, ए ग्रेटर होगा 212 डिवाइडेड बाई 27, तो ये 7.8 के लगभग है, ए जो है ग्रेटर देन कितना होगा, 7.8 होगा। तो आप देख रहे हैं कि ए की जो वैल्यू है वो 7.8 से तो ज्यादा है और ए की जो वैल्यू है वो 8.6 से क्या है, कम है। देखिए यहां पर क्या होगा, 7 होगा या 8 होगा या 9 होगा, वैल्यू जो है 8.6 से कम है, इससे तो कम है राइट, और 7.8 इससे ज्यादा है, तो इसके बीच में नेचुरल नंबर कौन सा मिल रहा है, केवल 8 मिल रहा है ना। तो आप ये कहोगे कि आपका फर्स्ट टर्म जो है वो कितना है, 8। आगे बात समझ में, आपका फर्स्ट टर्म क्या माना जाएगा, 8 माना जाएगा, और आपके पास सेकेंड टर्म कितना था, 12 था, तो ए की वैल्यू जब आप यहां पर पुट करोगे तो डी आपके पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो आपके पास फर्स्ट टर्म 8 रहेगा और कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा, 4 रहेगा। समझ गए होंगे ना इस बात को, थोड़ी सी नई बात थी लेकिन ये बात जरूर आपको आनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन करने से विश्वास करिए आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। आप यदि चाहते हो कि बिना किसी ट्यूटर की हेल्प के, बिना किसी टीचर के हेल्प के आपके 100% मार्क्स आएँ, तो आप मेरा कंप्लीट कोर्स को देख सकते हो, ठीक है, जिसमें अवेलेबल है एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चन, लेटेस्ट सैम्पल पेपर, हॉट क्वेश्चंस फ्रॉम एक्स्ट्रा बुक्स, ये सब कुछ अवेलेबल है जो एक स्टूडेंट्स को बोर्ड के लिए चाहिए। ठीक है, बहुत सही तरह से डिजाइन किया गया कोर्स है, आपको पूरा 100% मार्क दिलाने में आपकी हेल्प कर सकता है। आप एक बार जाकर उसका डेमो वर्जन देख लें, यदि आपको लगता है कि वो सही है तो आप उसे खरीद सकते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, केवल 2000 रुपये में कंप्लीट कोर्स है ये, ठीक है, जिस सैंपल पेपर भी 10 सैंपल पेपर भी अवेलेबल है, चैप्टर वाइज भी अवेलेबल है, ठीक है, प्रीवियस है 10 साल के, सब कुछ वीडियो फॉर्मेट में अवेलेबल है, ठीक है ना। आपकी इच्छा हो तो आप जरूर जाके देख सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो क्वेश्चन मैं आप देने जा रहा हूँ उस क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करेंगे ना, जरूर सॉल्व करिए और उसके आंसर को पब्लिकली कॉमेंट बॉक्स में रखिए, राइट, आप एक बार इसे कॉपी करिए। स्टूडेंट ये बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपके लिए कि आपका रिवीजन बहुत अच्छी तरह से हो जाए, ये 2020 में बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसे जरूर कर सकते हो, करोगे ना, एक बार कोशिश कर लीजिए, ठीक है, आप 100% करोगे और इसके आंसर को पब्लिकली कमेंट बॉक्स में रखिए, राइट, जरा देखिए कि इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर पाते हैं, करने की कोशिश करनी चाहिए ना, यदि हमें कंसेप्ट पता है तो कोशिश करने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है अलग मैटर है, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए बिना कहीं पर देखे, बिना सही सॉल्यूशन देखे, राइट, आप जरूर करिए और हाँ अपना ख्याल रखिए समय और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।